हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू TLP चैनल। और आज हम कुछ नए वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ लीन, मीनिंग अ राइट टू कीप पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन अंटिल अ डेब्ट ओन बाय दैट पर्सन इज डिस्चार्ज। इट मीन्स दैट कि आप किसी की प्रॉपर्टी अपने पास रख लेते हैं जब तक कि सामने वाला बंदा उसके जो भी डेब्ट्स है, जो भी उसने आपसे लिया है पैसे वगैरह, वो फुलफिल ना कर दे, तब तक के लिए आप उसकी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेते हैं। यूसेज, दे शैल बी एंटाइटल्ड टू लीन ऑन एनी लॉट सोल्ड। अनदर वर्ड इज सेंटिला, मीनिंग अ टाइनी ट्रेस और स्पार्क ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वालिटी ऑफ फीलिंग। इट मीन्स दैट कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ या एकदम टाइनी चीज़, उसको हम कहते हैं स्कैंटिला। यूसेज, ही सेज देयर इज नॉट अ स्कैंटिला ऑफ एविडेंस टू लिंक हिम टू एनी कॉन्ट्रोवर्सी। मतलब एक छोटा सा भी एविडेंस नहीं है कि हम उस कॉन्ट्रोवर्सी में पुट कर सकें, राइट। अनदर वर्ड इज परफंक्शनरी, मीनिंग ऑफ एन एक्शन कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट फीलिंग और एफर्ट्स। मतलब कोई बंदा जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हो किसी चीज़ में, या कुछ भी लाइक हैप्पी नहीं हो, बस ठीक है कर रहा है काम, कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। तो उसे हम कहते हैं परफंक्शनरी। हिज स्माइल वॉज परफंक्शनरी, मतलब बेमन से काम जो करता है उसे हम कह सकते हैं परफंक्शनरी। Another word is ostom, meaning ejection from a property, especially wrongful ejection. Means that कि कोई भी आपको आपकी प्रॉपर्टी से बाहर कर दे उसे हम कहते हैं ऑस्टर, और वो भी रॉन्गफुल तरीके से। यूसेज, ऑस्टर प्रोसीडिंग टू रिमूव द हस्बैंड फ्रॉम मैट्रीमोनियल होम। Another word is machination, meaning a plot, scheme or secret plan to get power or control to gain an advantage. मतलब कुछ भी आप ऐसा secret plan बना रहे हो जिससे आपको advantage gain हो, तो उसे हम कहते हैं machination। usage, reading about the criminals machination to rob casino was enthralling. enthralling मतलब fascinating, right? another word is stultify, meaning to prevent something from developing or prevent someone from developing new ideas. मतलब आप किसी को रोक रहे हो कुछ भी नया आइडिया बनाने से या कुछ भी नया चीज करने से, तो उसे हम कहते हैं stultify। usage, eating pizza right before a workout will definitely work to stultify your efforts. another word is nugatory, meaning of no value or importance or useless. जो भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा useless है या किसी का कोई importance नहीं है उसे हम कहते हैं nugatory। usage, the teacher's shortage will render nugatory the hope of implementing a new curriculum. another is ombudsman, meaning an official appointment to investigate individual complaints against a company or organization. मतलब एक बंदा जो कि आपकी सारी complaints को investigate करता है और उस पर look over करता है, तो उसे हम कहते हैं ombudsman। usage, complain to the banking ombudsman grew up 50% last year. now it's time for quiz. please write the meaning of following words. our first word is affray, second is fiduciary, third is instate, another is vexatious and quorum. now it's time for answer. so the first word is affray. affray means an instant of group fighting in public place that disturbs the peace. matlab कुछ भी फाइव और फाइव से ज़्यादा पीपल पब्लिक प्लेस पे लड़ाई करते हैं और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एफ्रे। अनदर इज़ फिड्यूशरी, इन्वॉल्विंग ट्रस्ट,
मतलब कुछ भी आपको किसी पे बहुत ट्रस्ट है या कुछ भी आप ट्रस्ट वर्दी चीज़ करते हैं, ये जनरली ट्रस्टी और बेनिफिशरी के लिए यूज़ होता है ये वर्ड, उसे हम कहते हैं फिड्यूशरी। अनदर इज इंस्टेट, नॉट हैविंग मेड अ विल बिफोर वन डाई, मतलब कोई भी पर्सन जो बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो उसे हम कहते हैं इंस्टेट। अनदर इज कोरम, कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इन मीटिंग, मतलब एक किसी भी मीटिंग में, चाहे वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो या किसी कैबिनेट की मीटिंग हो, तो उस मीटिंग में पर्टिकुलर मेंबर्स होना चाहिए कि अगर 5 हो गए तो ही मीटिंग स्टार्ट होगी, तो मतलब पर्टिकुलर मिनिमम मेंबर्स होना चाहिए मीटिंग में, उसे हम कहते हैं कोरम। द लास्ट वर्ड इज़ वेक्शेसियस, इट मीन्स फ्रस्ट्रेशन और कॉजिंग अनॉयंस टू डिफेंडेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।